हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था मुहावरे, इसमें आपका पार्ट 11 दिया हुआ है मुहावरे। यहाँ पे सबसे चैप्टर का जो नाम दिया हुआ है वो है हाथ बटाना। हाथ बटाना भी आपको पता है कि एक मुहावरा है। हाथ बटाना यानी किसी की सहायता करना, कार्य में सहायता करना। आप अपनी मम्मी की घर पे कार्य में सहायता करते हैं, उसी को कहते हैं हाथ बटाना। यहाँ पे स्तुति, मटर छीलने में मेरा हाथ बटा दो। स्तुति को बोल रही है उसकी मम्मी कि स्तुति मटर छीलने में मेरा हाथ बटा दो। माँ, हाथ कैसे बटा दूँ? स्तुति समझी नहीं है कि हाथ बटाना यानी क्या हो रहा है, तो वो बोल रही है कि हाथ कैसे बटा दूँ। मेरा मतलब है मेरी मदद कर दो। मम्मी बोल रही है मेरा मतलब है मेरी मदद कर दो। मैंने मुहावरे का प्रयोग किया है। अच्छा, कुछ विशेष तरह से अपनी बात कही है आपने। फिर स्तुति बोल रही, अच्छा तो क्या कुछ विशेष तरीके से आपने अपनी बात कही है? अब यहाँ पे देखिए, हम अपनी बात को विशेष तरीके से कहने के लिए या बात को, भाषा को सुंदर दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मुहावरे का प्रयोग करते हैं। इस चैप्टर में भी आपके मुहावरे दिए हुए हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने मुहावरे ही पढ़े थे। ये सभी मुहावरे आपको याद करने हैं। आगे देखिए, नीचे मुहावरे दिए हैं, आँखों का तारा होना, मुँह में पानी भर आना। मुँह में पानी कब भर आता है? जब हम किसी खाने की चीज़ को देखते हैं तो उसे देखकर मुँह में पानी भर आ जाता है। खाने की किसी चीज़ को देखने से मन चलना या जी ललचाना मुहावरे का अर्थ है। पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कब कूदते हैं? जब बहुत भूख लगती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि बहुत भूख लगी है, और अपनी भाषा को और अधिक विशेष रूप से कहने के लिए आप कह सकते हो मेरे पेट में जोर से चूहे कूद रहे हैं। कहते हैं ना बच्चे, मेरे पेट में तो चूहे कूदने लगे, जब भयंकर भूख लगती है तब। नेक्स्ट है आग बबूला होना, यानी बहुत क्रोधित होना। क्रोधित, गुस्सा एक ही बात है, क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। आंखें लाल होना यही बात है, गुस्सा होना, आग बबूला होना। कई मुहावरे ऐसे हैं जो मुहावरे हैं लेकिन दो तीन हो जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ वही निकलता है। नेक्स्ट है आग दिखाना। आग दिखाना यानी क्रोध करना, इसका भी मतलब वही है, क्रोध करना, गुस्सा करना। कान पर जू न रेंगना, कान पर जू न रेंगना यानी किसी बात का कोई असर न होना, टस से मस न होना। वही बात है, कान पर जू न रेंगना, टस से मस न होना। ये ऐसे मुहावरे हैं जिनका अर्थ है कि कोई असर न होना। पीठ दिखाकर भागना, हार कर भाग जाने वाले को कहते हैं पीठ दिखाकर भागना। युद्ध के मैदान में या किसी कार्यस्थल पर हमें अगर काम पहले हमने हाँ कर दी लेकिन हमसे काम नहीं हुआ तो हम क्या हुए, वहाँ से चले गए कि मेरे से तो नहीं होगा। वहाँ पे भी ये मुहावरा सटीक बैठता है कि पीठ दिखाकर भाग गया। आँख लगना, आँख लगना यानी सो जाना, एकदम से सो जाना। आँख लगना यानी सो जाना। आसमान सिर पर उठा लेना, बहुत ज़्यादा शोर मचाना। ये मुहावरा बहुत बार क्लास में बोला जाता है बच्चों को कि बच्चों आपने आसमान सिर पर उठा रखा है। ठीक है, लाल पीला होना वही गुस्सा आना, क्रोध करना, एक ही बात है। लाल पीला होना, आँख दिखाना और आग बबूला होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जान कर यानी जानबूझकर स्वयं को नुकसान में डालना, या स्वयं का नुकसान, खुद का नुकसान कर लेना, खुद को नुकसान में डालना, पता होते हुए भी जानबूझकर खुद का नुकसान कर लेना। यहाँ पे मुहावरा है पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। टांग अड़ाना, बहुत लोगों की आदत होती है बीच बीच में टांग अड़ाने की। टांग अड़ाना है किसी के काम में दखल देना, दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है ना, तो दूसरों के काम में दखल देना। टांग अड़ाने का अर्थ है दूसरों के काम में दखल देना। दाल न गलना, बात न बनना। दाल न गलना भी यहाँ पे मुहावरा है, कोई काम नहीं हुआ तो हम वहाँ पे कहते हैं उसकी तो दाल नहीं गली, यानी कि उसकी बात नहीं बनी।
इसी तरह से बहुत सारे मुहावरे आपके यहाँ पे दिए हुए हैं बुक में, जो कि आपको सारे लर्न करने हैं और इनके अर्थ भी आपको आने ही चाहिए। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, जो हमें बहुत अच्छा लगता है उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये मेरी आँख का तारा है या मैं उसकी आँख का तारा हूँ। चेहरा खिल उठना, खुश हो जाना। प्राइज मिलता है जब बच्चों को उनका नाम अनाउंस होता है कि आपको इस चीज़ के लिए फर्स्ट रैंक आई है, ये प्राइज़ मिल रहा है, तो आपका चेहरा खिल उठता है ना, वही है चेहरा खिल उठना, यानी खुश हो जाना, आँखों में चमक आ जाना, आँखों में प्रसन्नता के भाव। प्रसन्नता के भाव, जब हमें खुशी होती है किसी चीज़ को पाने से या किसी को देखकर हमें खुशी होती है, तब हमारी आँखों में चमक आ जाती है। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा उड़ना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा उड़ना। चार चांद लगाना, किसी चीज़ को और भी सुंदर बनाना। कोई चीज़ सुंदर है, पहले से सुंदर बनी हुई है, लेकिन किसी किसी में क्रिएटिविटी होती है कि उसे और अधिक सुंदर बना देता है अपनी क्रिएटिविटी से, उसी को कहते हैं चार चांद लगाना। फुला न समाना, बहुत खुश होना। फुला न समाना, बहुत खुश होना। पापा जब शाम को मेरे लिए साइकिल लाए, तो मैं साइकिल को देखकर फुला नहीं समाया। ऐसे आप वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। ईद का चांद होना, कम दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, ईद का चांद जिस तरह साल में एक ही बार दिखाई देता है, उसी तरह कई लोग होते हैं जो हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, वहाँ पे हम ये मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं कि आजकल मेरा दोस्त ईद का चांद हो रहा है। 9-2-11 हो जाना, किसी से बचकर भाग जाना। चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया। इस तरह से आप मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं। अब पेज नंबर आपके 54 और 55 पे जितने भी मुहावरे दिए हुए हैं, वो सारे मुहावरे आप याद करेंगे और उनके अर्थ भी याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं फिर आपको करवा दूंगी। थैंक यू।